बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हों। मैं भी आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमने आज अपने किचन में जो है मिक्स वेजिटेबल क्रीमी वेजिटेबल हमने रेडी की हैं बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, बिना प्याज और बिना लहसुन के। बहुत ही मज़े की बनती है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही कम टाइम में ये रेडी हो जाती है। अगर आपके बच्चे सब्ज़ियाँ पसंद नहीं करते तो आप एक मरतबा इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे वेजिटेबल्स से मोहब्बत करेंगे। तो जो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें मेरी वीडियोज़ को, और अगर साथ में छोटे दिए बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा और साथ में ऑल पर क्लिक कीजिएगा, तभी आपको मेरी जो तमाम नोटिफिकेशन मिल सकेंगी। तो अपने किचन में चलते हैं और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से तैयारी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया था, ये देखिए पानी किस तरह से उबाल आ रहा है। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी गोभी, ये बहुत ही यमी रेसिपी बनती है। इसमें हमें प्याज वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप की जितनी गाजर, 2 दरमियाने साइज़ के आलू, 1/2 कप के जितना इसमें मटर डाल रही हूँ, फ्रेश मटर है, 2 टेबलस्पून जितने इसमें मैं काजू शामिल कर रही हूँ, और इसमें 2 दरमियान साइज़ के टमाटर जाएंगे। इसको 3 से 4 मिनट सिर्फ पकने देंगे। तो दोस्तों 3 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम ऑफ कर देंगे और आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए हमारी सब्ज़ियाँ जो है वो बिल्कुल फुली कुक नहीं करेंगे इनको हम, बस थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त हो चुका है। अब मैं इसको स्टेन कर लूँगी। तो दोस्तों देखिए इसको मैंने स्टेन कर लिया। अब मैं इसमें काजू और जो टमाटर है उसकी पेस्ट रेडी करूँगी। वेजिटेबल्स हमारी बॉयल हो चुकी हैं। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल दूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून डाल दूँ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ मैं सौंफ। मसाले जो है वो हल्के से भून चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो है पेस्ट ऐड कर दूँगी जो हमने टमाटर और काजू की रेडी की थी। वन फोर टी स्पून हमें इसमें डाल रही हूँ इलायची का पाउडर, ये हरी इलायची का पाउडर है। अब हम इसमें स्पाइसी ऐड करेंगे। 1 टी स्पून इसमें जाएगा नमक, 1 टी स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। इन सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। टमाटर और काजू ऑलरेडी हमारे पके हुए हैं तो इसलिए ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टी स्पून के जितना अदरक। अदरक की ये पेस्ट है, आप चाहें तो इसमें अदरक को कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। ये 1 टी स्पून के जितना इसमें शामिल करेंगे, इसको मिक्स करेंगे इसके साथ तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसको मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो नीचे लगे नहीं। ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें जो वेजिटेबल्स मैंने बॉयल की थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है माशाल्लाह से। ये ऑलरेडी बॉयल है तो इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकाने में और बहुत जल्दी रेडी हो जाएंगी। बस इसको अच्छे से कोट कर लेंगे मसाले के साथ। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह। वेजिटेबल्स को मैंने अच्छे से कोट कर लिया मसाले में, ये देखें ज़बरदस्त से हो चुकी है। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। मैं इसमें लिक्विड फॉर्म मिल्क ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, बस हल्का सा शामिल करेंगे, ये देखिए आप। और इसको 2 मिनट के लिए इसके अंदर जो है हम पका लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर क्रीम शामिल करेंगे। हमारी ज़बरदस्त वेजिटेबल्स जो है वो रेडी हो जाएंगी। अब मैं इसमें क्रीम शामिल करूँगी, तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें क्रीम डालेंगे, ये देखिए हम। फ्लेम स्लो कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ये देखिए माशाल्लाह से, मुझे तो देख के मुँह में पानी आना शुरू हो चुका है।
कितनी ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। हल्के से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो क्रीम है वो फटे भी नहीं और हमारी वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से कोट हो जाए। और इसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए और हमारी ज़बरदस्त मज़ेदार क्रीमी वेजिटेबल जो है वो रेडी हो जाएंगी। इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा कसूरी मेथी, ये अब इसके ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे तकरीबन 2, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा इसको। और अब मैं इसको रखूँगी 2 से 3 मिनट के लिए दम पे ताकि अच्छे से जो है क्रीम वो वेजिटेबल्स के साथ लग जाए। मिलते हैं 3 मिनट के बाद। तो दोस्तों देख लेते हैं अब इसको, माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार हमारी क्रीमी वेजिटेबल रेडी हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। फ्लेम ऑफ कर देंगे इसकी, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, आप कलर चेक करें माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त खुशबू के साथ और बहुत कलर अच्छे कलर के साथ। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही यम्मी रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको हल्का सा जो है धनिया के साथ गार्निश कर लूँगी। ये आप देखिए हमने कितनी जल्दी इसको रेडी कर लिए, बहुत ही यम्मी रेसिपी है, बिना प्याज और बिना लहसुन के हमने इसको पकाया है। तो आप ये देखिए बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ताज़ी सब्ज़ी आजकल आ रही है, जिन सब्ज़ियों को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर रेसिपीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें दोस्तों के साथ फैमिली के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अब तक अल्लाह हाफ़िज़।